रिश्तेदार भी आप भी पाचे आप भी कदम न कदम राजस्थान से आ रहे हैं सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे उम्मीदवार राम जी एक लाइन में आप भी पहुंचे बाद में से एक लाइन आप भी आज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इस साल रैली जो हुड्डा साहब के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर ये विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। आपने लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को हार कर दिया और आने वाली 5 तारीख को बिल्कुल आप साफ कर देना और सभी युवाओं से बुजुर्गों से माताओं से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि आप दिन रात एक करके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करके बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनानी है। आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। ये लोकसभा में हमारे और सतपाल रामचारी जी के साथी हैं, लोकसभा में इस बार पहुंचे हैं। इस बार राजस्थान का भी रिजल्ट अच्छा रहा है, आपको पता है। अपने हरियाणा के साथ 25 तारीख को आपको बता सकते अब मैं यहाँ से प्रत्याशी भाई जनवाल जी को निवेदन करता हूँ कि ये अपना अपने विचार रखें, वोट की अपील करें और बंद हो गया भाई जय किशन विधायक जी आए हैं पूर्व विधायक वो अपने गांव के अपने इलाके के इस हल्के के हैं। हेलो हेलो आप जानते हैं अब मैं आग्रह करता हूँ आप यहाँ से प्रत्याशी भाई जय भगवान से विचार रखें, वोट की अपील करें। राम राम जी दो जोरदार तालियों से स्वागत करो भाई। मैं सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा मैं उसके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेके बोलना चाहता हूँ। मान और सम्मान के योग्य युवा दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भावी मुख्यमंत्री और पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी, मेरे समस्त ग्रामवासी माताएं बहने, मैं आज आप लोगों के सामने वोटों की अपील करने आया हूँ। आने वाली 5 तारीख को आज के सामने का बटन दबाकर भाई दीपेंद्र को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करें। आपका बेटा आपका भाई आपके दुख दर्द में रात दिन आपकी सेवा करेगा, आपका बेटा दुख तकलीफ में आपके साथ रहता है और आगे भी आपके साथ रहेगा। अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजे, मैं आपका सेवक आपका बेटा आपके बीच में रह के काम करूंगा। मेरे भगवान के स्वरूप चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये मेरे राम हैं, मैं इनका अनुमान हूं, इनका दास हूं। मैं आप लोगों के सामने ऐलान करता हूं, मेरे को भाई दीपेंद्र जी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। एक गरीब के बालक को एक गरीब किसान के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ ऐसा ना हो भाई पहली बार किसी गरीब के बालक को टिकट दे कर विधानसभा में भेजा है, ऐसा ना हो कि गरीब बालक की राजनीति का तना जाए। मैं आप जो हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ अपने बेटे का तहे दिल से साथ देना। नहीं होने देंगे भाई, नहीं होने देंगे। बात कहना चाहता हूँ, ये भाई दीपेंद्र जी हुड्डा जी मेरे भगवान के स्वरूप है, मैं जिंदगी भर इनका दास बन के रहूंगा और इनकी सेवा करूंगा। मेरी राजनीति यहीं से शुरू हुई है और इनके चरणों में मेरी राजनीति खत्म होगी। मैं जिंदगी भर तहे दिल से भाई साहब के साथ रहूंगा। मैं भाई का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, भाई साहब बड़े भाई दीपेंद्र जी मेरे
प्रोग्राम में आए, मतलब भाई मेरे हल्के में आए वोटों की अपील करने, जनता को कहने अब भाई जय भगवान को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना। मैं भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत। हमारे बस भाई अभी कर रहे हैं सबका कर रहे हैं, सबके कर रहे हैं। हाँ नहीं अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी एक बार नीचे बोल के नीचे आ जाएंगे फिर सबको। हाँ ले लो जी, ले लो एक बार दो। हमारे भाई दिल्ली सरकार के मंत्री रहे और विधायक, और ये जो दिल्ली के कम और हरियाणा के ज्यादा हैं, अनिल भारद्वाज जी भी पहुंचे। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अनिल भारद्वाज जी। बहुत बढ़िया, बहुत हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे सांसद लोकसभा में जिनको आपने आशीर्वाद देके भेजा है, पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी। हमारे बीच में हमारे लोकसभा से सांसद बाड़मेर से जो हमारे बीच में आए हैं, उम्मेदाराम बेनीवाल जी। हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, हमारे आपके नौजवान कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और आपके होने वाले विधायक, हमारे भाई नौजवान साथी, हमारे भाई जय भगवान अतिल जी, पंडित रंजीत कौशिक जी, पंडित सुरेंद्र शर्मा जी, जयवीर आतिल जी, हमारे भाई सुनील कटारिया जी, संजय जी, हमारे संजय आतिल जी, संत कुमार जिला पार्षद, देवेंद्र कुमार जिला पार्षद, जितेंद्र प्रधान पलड़ी, राजवीर दैया जी, विजेंद्र मास्टर जी, अनिल गौड़ जी, रामकिशन जी, अनिल रंजीत कौशिक जी, रायसे गुरदियाल जी, बहुत से साथी। हो सकता है ये किसी के नाम लिखे, भाई हमारे प्रेमत्री जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ, इनका नाम कैसे रह गया था पता नहीं, लिखने ने कुछ ऊपर नीचे देखा नहीं होगा शायद। और हमारा सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, क्योंकि सभी का भाई सूर्यदेव दैया जी जो पीछे खड़े हैं, बाकी भी हो सके किसी का नाम रह गया हो, इलेक्शन का टाइम है, कोई सा रूसिया मन्ना भाई, सारे अपने हैं किसी का नाम लिया। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सब छत्तीस बिरादरी के पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं, मैंने आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने आकर जो हमारे नौजवान उम्मीदवार मेरे भाई जय भगवान का आज हौसला बढ़ाने का काम और उनके सर पे आशीर्वाद रखने का काम किया है, ये आपका आशीर्वाद खाली याद जाएगा, ये आशीर्वाद चंडीगढ़ तक पहुँचेगा ऐसा मेरा विश्वास है। और पूरे हरियाणा में आज एक बात तो तय हो गई है, एक बात तय हो गई है कि राई हलके ने ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को बनाना है और भाई जय भगवान को जिताना है। ठान लिया कि नहीं ठान लिया राई हलके ने, और हरियाणा ने भी ठाना है, और हरियाणा ने भी ठाना है। चारों तरफ से रिपोर्ट आ गई कि नहीं आ गई? आ गई जी, आ गई। हरियाणा में सरकार आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है जी, पूर्ण बहुमत से आ रही है। ये भाई एक बार यार ये बंद करना यार, बीच में कौन अपना, बाद में कमेंट्री मैं बताऊंगा आपको। तो आ रही है सरकार बीच आपकी, हरियाणा में सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? आज हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये दमनकारी सरकार जारी है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और ये माहौल हरियाणा में बदलाव का माहौल, बदलाव की छत्तीस बिरादरी ने एक मन बनाया, छत्तीस बिरादरी ने, हरियाणा के हर वर्ग ने, क्योंकि हर वर्ग दुखी हो गया बीजेपी की सरकार से। 10 साल से हर वर्ग को नजरअंदाज करने वाली ये सरकार बीजेपी की एक ऐसी सरकार साबित हुई जो हरियाणा प्रदेश देश में विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था जो प्रदेश, आज वो हरियाणा प्रदेश देश में विकास की पट्टी से तो उतार दिया इन्होंने, देश में नंबर एक बन गया वो हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में। छोटी बात नहीं दिल्ली के तीन तरफ हमें, मगर 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, नंबर एक बचा दिया।
प्रतीक बन गया हरियाणा नंबर एक बेरोजगारी में, हरियाणा देश में नंबर एक बन गया अपराध में, क्राइम में, क्राइम रेट अपराध दर देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में, हरियाणा देश में नंबर एक बन गया नशे में, आज नशा आ गया हरियाणा में, पंजाब से ज्यादा नशा आज हरियाणा के अंदर आ गया, ऐसी स्थिति बन गई, भ्रष्टाचार, महंगाई, हर वर्ग की अनदेखी, हर वर्ग का अपमान, 10 साल की एक खट्टर सरकार, ऐसी विफल सरकार देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाने वाली सरकार साबित होगी, जिस सरकार ने और सरकार के मुखिया ने किसी वर्ग का मान सम्मान ना किया, 10 साल तक हर व्यक्ति को उलझा दिया, हरियाणा के नागरिकों को उलझा दिया, कहीं आईडीओ में उलझा दिया, कहीं फैमिली आईडी में उलझा दिया, कहीं प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, कहीं पोर्टल में उलझा दिया, कहीं अपने कागज ठीक कराओ और अफसरों के चक्कर काटो, यही है ना भाई, और लोगों को उलझा दिया और नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, कौशल निगम में, अग्निवीर में, कच्ची नौकरी और सीटी में नौजवानों को उलझा दिया, एक बड़ी लिस्ट पक्की भर्ती की 5 साल में आई नहीं, केवल नौजवानों को कहा कि भाई थोड़े दिन में करेंगे, 60,000 ज्वाइन कराएंगे, फिर थोड़े दिन और बताया भाई 25,000 ज्वाइन कराएंगे, जैसे वो सनी देओल की पिक्चर आई थी दामिनी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो हरियाणा के नौजवानों को 5 साल से मिली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही जो 2 लाख सरकारी पद इस सरकार में वैकेंट पड़े हैं, उन 2 लाख पदों पे मेरिट पर और समयबद्ध रूप से हरियाणा के नौजवानों को मिलेगी ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे, तो इन्होंने, और गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद कर दी इन्होंने, गरीब एक ऐसी सरकार निकली, ऐसी गरीब विरोधी सरकार, गरीब की सारी स्कीम बंद कर दी सरकार ने, 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम पे बैन लगा दिया खट्टर साहब ने आते ही, गरीब के मकान आते थे पहले, मैं पूछना चाहता हूं कितने गांव के लोग यहां पे हैं भाई, मकान आए गरीब आदमी के, कितने मकान आए बताओ, आप किसी गांव में आए हो, मकान नहीं आए, राशन डिपो पे हमारे समय दाल चीनी तेल, लेकिन राशन डिपो पे भी 10 साल तक गरीब आदमी का की स्कीम्स बंद करके गरीब का भी शोषण, युवाओं का भी शोषण, किसान के साथ क्या बनी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली अगर कोई सरकार देश के इतिहास में किसी सरकार का नाम लिखा जाएगा जिसने जिस सरकार में 750 किसानों की जिसका सरकार ने आहुति ली हो, 750 किसानों के घर उजाड़े हों, तो बीजेपी सरकार का नाम आएगा, ये कैसी सरकार सा, बात नहीं मानते किसान की, बात नहीं मानते किसान की, लेकिन कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द, दया का कोई भाव तो दिल में होना चाहिए था, कम से कम 1 लाइन बोल देते, कितने घर उजड़ गए, किसी का बेटा था, किसी का घरवाला था, किसी का बाप था, किसी का भाई था, हमें दुख है, लेकिन 1 शब्द दुख का भी इनने बोला नहीं। मुझे याद है वो दिन जब किसान आंदोलन चल रहा था, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में हरियाणा से 15 सांसद जाते हैं, मैं बताना चाहता हूँ मेदाराम जी को जो अब राजस्थान से MP बन के आए हैं, हरियाणा से 15 सांसद जाते हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 15 में से 14 बीजेपी के, पिछले 10 साल से आपका ये बेटा भाई इन तानाशाही ताकतों से देश की उस सबसे बड़ी पंचायत में अकेला वहां देश की सबसे बड़ी पंचायत में लड़ाई लड़ता था, 10 साल मैं आपके लिए खड़ा रहा, मैं आपके लिए भिड़ा रहा इन तानाशाही ताकतों से, जब देश के बड़े बड़े लोग कोई झुक गया कोई बिक गया, लेकिन मैं वहां पे खड़ा रहा ईमानदारी से, और जब मैंने आपकी आवाज उठाई किसान आंदोलन में, तो सारी देश की बीजेपी के सांसद टूट के पड़े आपके इस बेटे पर, जैसे मैंने कोई गलती कर रखी हो, आपने वो नज़ारे भी देखे होंगे, पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी हो गई, नारे लगाने लगे सारे इनके, क्योंकि उस समय तो इनके जो है इनके 300-350 सांसद हुआ करते थे, लेकिन आपने देखा होगा दया का भाव नहीं आया, सहानुभूति के 2 बोल नहीं, क्या बनी होगी मुझ पर, कितना अकेलापन मैंने महसूस किया होगा, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को तोड़ने की इनने बात करी, और हम लोकसभा में गए 5 सांसद जीत के इस बार हरियाणा से, तो आपने देखा होगा हमने शपथ जब ली तो हमने सबने शपथ ली और हमने कहा जय संविधान, कहा था कि नहीं कहा था, और जब हमने कहा जय संविधान तो बीजेपी तिलमिलाई थी कि नहीं तिलमिलाई थी, और बीजेपी के स्पीकर, बीजेपी से सांसद जो अब स्पीकर है हमारे माननीय स्पीकर महोदय का
वही लोकसभा के अंदर उनने ये कहा था कि जय संविधान नहीं बोलना चाहिए, और जब उन्होंने कहा तो 550 सांसदों में अकेला आपका बेटा खड़ा हो गया था कि नहीं हो गया था जय संविधान नारे पे। ये ताकत है आपकी, ये ताकत है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आपका बेटा अकेला खड़ा हो गया कि संविधान के नारे पे आंच नहीं आएगी। आपने को याद होगा तो उनने कहा कि भाई जय, तभी उनके स्पीकर साहब ने कहा कि भाई बैठ जा, आपने भी सुना होगा। उसके बाद ये बोला था कि नहीं बोला था, मैं उनको बताना चाहता हूं, आप कह सकते हो बैठ जाओ, लेकिन जय संविधान नारे की गूंज को हरियाणा में नहीं बैठने देंगे। आज हम कहना चाहते हैं जय जवान जय किसान का प्रदेश होता था हरियाणा, आपने ऐसी स्थिति बना दी, ना तो जवान जय जवान छोड़ा अग्निवीर ले आए, ना जय किसान छोड़ा, ना मजदूर छोड़ा हरियाणा में, ना नौजवान छोड़ा, कोई वर्ग नहीं छोड़ा। आज ऐसा इन्होंने हाल बेहाल कर दिया, और हर वर्ग का अपमान। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के ले गए, उन पे लाठी चार्ज, सरपंच नए सरपंच बने थे, नए ताजे सरपंच बने थे, और सिंगर के चंडीगढ़ गए थे कि अपनी मांगे लेके जाएंगे, भाई मारी क्या पता पूछो, सरपंच पर सरपंचों के भी चंडीगढ़ जाते उड़े। और आपने देखा, और हर, तो कहने का मतलब हर व्यक्ति का अपमान। हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमारी बेटियों के साथ कितना अपमान हुआ। शायद ये देश में अपनी दुश्मन की बेटी की भी इज्जत को अपनी बेटी की इज्जत मानते हैं, लेकिन 6 महीने तक FIR नहीं किया दिल्ली पुलिस ने, 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर घसीटा, और सहानुभूति नाम का एक लेश भर भी इस सरकार में दया का भाव नहीं किसी भी नागरिक के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए। केवल इन्होंने आपस में भाई को भाई से उलझाने का काम किया, काम कुछ किया नहीं हरियाणा में। और इसीलिए हमारा नारा है, जो राहुल जी ने भी बात कही, वही हमारा नारा है कि ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। भाई इस नारे में सारे साथ मिलके एक बार ये नारा लगाना भाई, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। देखो अंदर से आवाज आती है, क्योंकि ये इंसानियत का नारा है, ये भगवान का नारा है। छत्तीस बिरादरी की आपस में प्यार में जो शक्ति है उसी से आगे बढ़ सकते हैं हम। 10 साल से इन्होंने तो केवल नुकसान ही नुकसान किया है, और कितना नुकसान झेलोगे। ये मौका आया है राई हल्के को, ये मौका आया है इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार, हुड्डा साहब की सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए एक एक वोट मेरे भाई जय भगवान को देकर, आ हाथ के निशान पर देकर आप पहुंचा दो हमारे पास। आप चंडीगढ़ पहुंचा दो जय भगवान को, पहुंचा दोगे कि नहीं पहुंचा दोगे? आप एक बात बताओ, नौजवान है कि नहीं है? नौजवान है ये जय, एक गरीब परिवार से है, मेहनती है, छत्तीस बिरादरी का मान सम्मान करता है, हुड्डा साहब का और मेरा विश्वास पात्र है, फिर क्या कमी रहेगी भाई? फिर भाई तो भाई ये तो इनको तो भाई ये आप एक बात बताओ कि भाई ये पूरा हलका यहाँ बैठा है, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हो, इतने 10 साल का संघर्ष, 10 साल की लड़ाई, उसकी अग्नि परीक्षा अब आपको देनी है। ये मौका आपके पास, आपके दरवाजे पे आया है, इस मौके को मत चूपना, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये छत्तीस बिरादरी सरकार बनेगी, छत्तीस बिरादरी के हक के लिए हम कदम बढ़ाएंगे, पहली कलम से अपनी माताओं और बहनों के लिए 2000 पेंशन करने का काम करेंगे, 2000 पेंशन, जो बुढ़ापा पेंशन से कम की माता बहन है, आप समझ गए, जो बुढ़ापा पेंशन तो सबकी, मगर 60 साल से कम की माता और बहनों के लिए 2000 पेंशन, पहली बार ऐसा काम होगा कि भाई माता और बहनों के लिए। तो ये देखना भाई ये क्या मामला है, ये मैं कह रहा हूँ माताओं बहनों के लिए पेंशन, विनोद कौशिक जी नारा लगा रहे, भाई दीपेंद्र उड़े घर जाके लड़ाई मत लड़ना भाई, कहते घर जाके लड़ाई ले, ये सीधा अकाउंट में जाओगा भाई, मैं बताऊँ मैं हाकत मार ना, ये बात क्लियर करनी चाहिए जी, मैं बताऊँ ना इसका घर कहते घर जाके कहते, ये है माताओं बहनों के लिए, और 60 साल से ऊपर के लिए हम अपने बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक, दिल्ली से भी ज्यादा,
6000 बुढ़ापा पेंशन कराने का हरियाणा में काम करे। भाई ये करते अमीरों के लिए, हम करेंगे गरीबों के लिए, हम करेंगे किसानों के लिए, हम करेंगे मजदूरों के लिए, हम करेंगे हरियाणा के नौजवानों के लिए। ये तो इनका तो देख लिया आपने, ये तो चलते हैं एक सिंगल ट्रैक पे। तो भाई ये माताओं बहनों बड़े बुजुर्गों के साथ साथ महंगाई से राहत दिलाने के लिए माताओं बहनों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर और दिल्ली की तर्ज में 100 यूनिट तक बिजली में राहत, बिजली बिलों में राहत दिलवाने का हरियाणा में काम करेंगे। मनरेगा का भी करेंगे भाई। और भाई मेट्रो देखो कितनी दुख की बात है, देखो देखो मैं कुछ पे कितनी दुख की बात है, जब हमारी सरकार थी तो हरियाणा में 81 किलोमीटर में मेट्रो का विस्तार हुआ था भारद्वाज साहब, 81 किलोमीटर मेट्रो, 81 चार शहर मेट्रो से जुड़े थे, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, भादुगढ़, और कुंडली तक मेट्रो पहुंचने का उस समय सिद्धांतिक अप्रूवल हो गया। लेकिन 10 साल से एक खंभा, ये हमने हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो, ये 10 साल वो 10 साल हैं, मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं, यूपी में बीजेपी की सरकार होगी, लेकिन इन 10 साल में नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई मेट्रो, आरआरटीएस कॉरिडोर यहां गाजियाबाद से मेरठ तक पहुंच गया, और यहां मेट्रो खट्टर साहब ने एक खंभा भी मेट्रो, मैं चुनौती देता हूं बीजेपी वालों को, भाई एक खंभा कोई मेट्रो इनके राज में बनाओ 10 साल, बता दे कहां खंभा, मैं भी आ जाऊंगा, आप भी आ जाओ, हम चुनौती देते हैं एक खंभा मेट्रो का इन्होंने बनवाया हो। और सुन ले अफसर, जितने हरियाणा के अफसर हैं, 8 दिन का समय है, फाइलें ढूंढ लें, सोनीपत तक मेट्रो पहुंचाने की जितनी फाइल है सारी फाइलों को ठंडे बस्ते से निकाल लें, उनको उन फाइलों को अच्छी तरह साफ करके पूछ के बड़ी चमका तमका के, जो अफसर 8 तारीख को सर का 8 तारीख को नतीजा आएगा, 8 की रात को जो अफसर भागा भागा सोनीपत की मेट्रो की फाइल लेके आएगा उसका हम ध्यान रखेंगे, हम कहना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं जी, आज मैं चुनौती सारे, क्योंकि अफसर शाही भी सुन रही है जी, अफसर शाही भी सुन रही है कि 10 साल से भट्टा बिठा दिया गति, मेट्रो का एक मतलब विकास रुक कम होता तो सुना था, लेकिन विकास रुकता भी देखना पड़ा, ये आज ऐसा राज आया। तो ये सारी बातें हैं कोई, और भाई एक एक बात सारी बात या देखो भाई, 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी, और हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारियों के लिए किसान की MSP गारंटी, और भाई गरीब के लिए दोबारा से 100-100 गज के प्लॉट, और 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से इंदिरा आवास योजना के माध्यम से मकान, और हमारे अगर हारी बीमारी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में हुआ था, गहलोत साहब की सरकार में, अशोक गहलोत जी की सरकार में, कि जो बिहारी बीमारी चिरंजीव योजना, मेरे ख्याल वो कितने तक की थी मुझे पता नहीं, कितनी की था, 25 थी, तो खैर हमारी भी उतनी, हम भी उतनी कर रहे हैं, तो हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनते ही 25 लाख तक की सरकारी खर्च से अगर इलाज कोई हारी बीमारी कोई ऐसा, क्योंकि बीमारी हो जाती है तो घर के घर बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं, आर्थिक दबाव, तो वो उसके लिए 25 लाख तक की, तो भाई ये सरकार बनेगी हरियाणा के गरीब आदमी की सरकार, छत्तीस बिरादरी की सरकार, हरियाणा के हर वर्ग किसान की, बेटियों की, खिलाड़ियों की, कर्मचारी की, व्यापारी की सरकार बनेगी, आप सबकी सरकार बनेगी। इस सरकार में भाई राई हल्का किसी से पीछे तो नहीं रहेगा सरकार बनाने में, और सोनीपत की सारी सीट देखो, पूरा देश देखेगा, सोनीपत की सारी सीट भाई कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा साहब की मजबूती के लिए, सोनीपत अपना घर मजबूत रखना भाई, अपनी सारी की सारी सीट, केवल राय हल्का ही नहीं, बाकी सीटों पर भी जहां जा सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।